श्योपुर में केंद्र सरकार के अटल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। भूमि अधिग्रहण में भूमि के बजाय चार गुना मुआवजे की मांग को लेकर किसानों के प्रदर्शन के दौरान सोमवार को हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब डीएम को ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसान भड़क गए। किसान डीएम को ही ज्ञापन सौंपने पर अड़े थे, लेकिन डीएम दो घंटे तक नहीं आए, जिससे गुस्साए किसानों ने स्थानीय कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के नेतृत्व में डीएम दफ्तर पर डेरा डालकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। करीब तीन घंटे तक चले हंगामे के बाद किसान कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन चस्पा कर लौट आए, लेकिन उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। किसानों का कहना है यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक ने कलेक्टर को असंवेदनशील करार दिया और सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। चार घंटा हमने इंतजार किया और इस गर्मी में किसान का पसीना टपक रहा है, नाराबाजी लग रही है और किसान की सुनने वाला जिलाधीश कलेक्टर नहीं है। वो आराम से एसी पे सोता रहा, फिर हमने नंग प्रदर्शन किया, फिर मैंने मेरा सिर को मेरे किसान की धरती माता के ऊपर मैंने सिर से मैंने वंदना की। जिला महोदय से कहा कि मैं किसानों के प्रति सी झुका रहा हूँ आपके आगे, प्रशासक के आगे, सरकार के आगे, कि हमारा किसानों की जमीन नहीं जाना चाहिए। उसमें भी उसके कोई असर नहीं पड़ रहा, तो ये मान रहा हूँ कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। लोकतंत्र चीज की कोई नाम नहीं है, प्रशासक चीज कोई नाम नहीं है, केवल इनको भ्रष्टाचार के अलावा कोई मुद्दा नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, किसानों का जो प्रदर्शन कल हुआ था उस वक्त हालात बेकाबू हो गए थे, लेकिन फिलहाल की अभी की बात की जाए तो अभी किस तरीके के हालात हैं वहां पर? जी देखिए, जिस तरीके से कल जो माहौल था, कल जो धरना क्षेत्रीय विधायक श्योपुर बाबू जंडेल द्वारा दिया गया था, जहाँ प्रशासन द्वारा जो उनके ज्ञापन को लेने के लिए, उनके धरने को न हटाने के लिए कलेक्टर जो मोदी श्योपुर के जो नहीं पहुंचे, इसी को लेकर कल उन्होंने धरना दिया, बल्कि उनकी न मानने को लेकर उन्होंने शीर्षासन भी लगाया। उसके बाद भी कलेक्टर जो श्योपुर के डीएम जो है वो वहां नहीं पहुंचे, इससे नाराज होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके जो नुमाइंदे सरकार में जो अधिकारी बैठे हैं उन लोगों के खिलाफ नारेबाजी की और ये विरोध जो है अनोखा प्रदर्शन किया। जी जी जी, अब अभी फिलहाल किसानों की क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी जिस तरीके से मांग जो है चंबल एक्सप्रेस वे को जो मांग के लिए जो धरना दिया गया था, उस तरीके अभी ज्ञापन दिया गया है, मांग जो है ज्ञापन के माध्यम से दिया गया है। उस ज्ञापन के बाद अब आगे क्या रणनीति बनती है ये देखना है। जी जी जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है यहाँ पर प्रशासन और जो किसानों के बीच एक बड़ा टकराव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कल जो प्रदर्शन किया गया था उसके बाद जो है हालात बेकाबू हो गए थे और अभी भी जो किसान लगातार है अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जिला